हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। और देखिए, ये जो है पूरा एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगी, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है इसमें। देखिए इसमें लिखा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 42 एंड इफ सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट नंबर ट्वाइस द फर्स्ट वन फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे देखिए दो नंबर का सम है 42, ये हमको गिवन है, ठीक है। और दो नंबर कैसे हैं, जो पहला नंबर है वो दूसरा नंबर का डबल है, ठीक है। द सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, जो दूसरा नंबर है पहले नंबर का ट्वाइस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। अब हमें नंबर पता नहीं है तो हम उसको एक्स मान लेते हैं। अगर फर्स्ट नंबर एक्स है देन सेकेंड नंबर विल बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x। क्या लिखा क्वेश्चन में, सेकेंड नंबर इज ट्वाइस दी फर्स्ट नंबर, यानी पहले नंबर का डबल। डबल का मतलब है सिंपली 2 मल्टीप्लाई कर देना आपको उसमें, तो उसका ट्वाइस हो जाता है। तो जो सेकेंड नंबर है पहले नंबर का ट्वाइस है, तो ये हमें मिला। अब देखिए कंडीशन क्या दी, ये दोनों नंबर का सम है 42, मतलब x प्लस 2x करेंगे तो इनको प्लस करने से आंसर आएगा 42। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो x और 2x इनका सम होता है 3x, और इधर राइट हैंड साइड ये हो जाएगा 42, और x इज इक्वल टू 3 को आप 42 के नीचे ले आएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 4 12। तो यानी जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 14। तो जो हमारे दो नंबर है उनमें से एक नंबर तो हमें मिल गया x, और जो दूसरा नंबर है वो होगा 2x, और 2x का मतलब हो गया 2 × 14, जिसकी वैल्यू होगी 28। जो दूसरा नंबर है वो होगा 28, और जो पहला नंबर है वो हो गया 14। अब ये जो हमारे जो नंबर आए हैं, अब उसको वेरीफाई करते हैं कि वो सही है कि नहीं है। तो वेरिफिकेशन के लिए हम कौन सा स्टेटमेंट लेंगे, सम ऑफ टू नंबर इज 42, तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं। पहला नंबर है 14, दूसरा है 28, इनको यदि हम प्लस करते हैं तो 4 + 8 हो गया 12, और ये 3 + 1 = 42। तो दोनों नंबर को प्लस करने से 42 आ रहा है, मतलब हमारा जो है ये आंसर सही है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, देखिए क्या लिखा है इसमें। नीरज हैज़ मैंगोज 3 times दैट ऑफ मैंग। तो यहाँ पे देखिए दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है नीरज, एक का नाम है मयंक। और इसमें पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नीरज के पास कितने मैंगो हैं, जितने मयंक के पास से उससे 3 times ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ मैंगोज विथ मयंक बी एक्स। मयंक के पास कितने मैंगो है, हमने मान लिया उसके पास है एक्स मैंगो। देन नंबर ऑफ मैंगोज विथ नीरज, तो जो नीरज के पास होंगे वो कितने होंगे, इसके 3 गुना 3 times यानी 3x। तो नीरज के पास हो गए मैंगो 3x, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमने ये पहले लिख लिया। अब उसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखो इफ मयंक इज गिवन 8 mangoes मोर, यदि मयंक के पास 8 mango और आ जाए तो नाउ नंबर ऑफ मैंगो विथ मयंक इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। यानी मयंक के पास पहले था एक्स, अब उसमें 8 और ऐड हो गया तो x प्लस 8 हो गया। तो मयंक के पास 8 मोर मैंगोज आ गए और नीरज के पास कितना आ गया, 6 मोर मैंगो। तो अब नंबर ऑफ मैंगोज विथ नीरज, जो नीरज है उसके पास है 6 हो जाएंगे। तो नीरज के पास पहले कितने थे 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x और उसमें प्लस कर देंगे 6। तो इसमें 8 प्लस कर दिया, नीरज के में 6 प्लस कर दिया। और क्वेश्चन में क्या लिखा है,
द नंबर ऑफ मैंगो ऑफ मयंक एंड नीरज विल बी इन द रेशियो 1:2। तो यानी अब जो है इनका जो रेशियो है, जो मयंक के पास है और नीरज के पास जो नंबर ऑफ मैंगो है, उनका रेशियो है 1:2। रेशियो का मतलब क्या होता है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 6। तो इनको अपॉन करने पे, डिवाइड करने पे जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/2। तो हमको बताना है शुरू में मयंक के पास कितने मैंगो थे, यानी एक्स वैल्यू फाइंड करना है, और नीरज के पास कितने मैंगो, यानी उसका 3 times हमें फाइंड करना है। तो अब आपको क्या करना है, ये हमने एक इक्वेशन जो बनाई है इसी क्वेश्चन के स्टेटमेंट से, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर हम इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे हम, 2 ये मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में एक्स प्लस 8 से, और फिर ये इधर इज इक्वल टू 3x प्लस 6 मल्टीप्लाई विथ 1। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 2x प्लस 16, 2 8 16 होता है और इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, 3x प्लस 6 होगा बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने में उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। अब जो 2x है इसको आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे और 6 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 16, 6 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस 6 हो गया, एंड 2x राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, तो 16 माइनस 6 हो गया 10 और 3x माइनस 2x हो गया सिंपली x। तो यानी x की जो वैल्यू है वो आ रही है 10। तो इसका मतलब क्या है, जो मयंक के पास होगा मैंगो है ना, तो मयंक के पास इनिशियली होगा 10 मैंगो जो कि है जिसको हमने x माना था, तो नीरज के पास कितना होगा, नीरज के पास इसका 3 times होगा, तो नंबर ऑफ मैंगो विथ नीरज वो होगा 3x विच इज़ इक्वल टू 3 × 10 और जो होगा 30, तो 30 मैंगो होगा नीरज के पास। अब हम करेंगे देखिए थर्ड क्वेश्चन, यहां क्या लिखा है, आउट ऑफ 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल द साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज 3 centimeters मोर देन द सेकंड ट्रायंगल। तो देखिए यहां पे क्या एक क्वेश्चन दिया है जिसमें 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया हुआ है, तो जैसे मान लेते हैं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, और दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, ठीक है, और इसमें स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, दैट जो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें से साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज 3 centimeters मोर देन द सेकंड। तो जो सेकंड ट्रायंगल है इसका साइड हम मान लेते हैं कि x है, मालूम तो नहीं है, मालूम नहीं तो मान लो तीनों साइड है x, ठीक है, और जो ये वाला ट्रायंगल ये बड़ा है, कितना बड़ा है, इससे 3 centimeters बड़ा है, तो हम मान लेते हैं ये वाला साइड है एक्स प्लस 3, वैसे ही ये वाला साइड भी होगा x प्लस 3 और ये वाला साइड भी होगा x प्लस 3, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ बोथ द ट्रायंगल इज 5/2, 5:2 यानी 5/2। तो देखिए अब क्या करना, पहले इन दोनों का पेरीमीटर निकालना है, फिर उनका रेशियो लेना है। तो देखो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन पेरीमीटर ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, इन दोनों का रेशियो लेंगे और रेशियो लेने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की वैल्यू आनी चाहिए 5/2। अब इससे इक्वेशन बनेगा, अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड यानी तीनों साइड को प्लस कर दो, तो फर्स्ट ट्राइंगल जो है इसका जो साइड है 3x + 3 है, ठीक है, और तीनों साइड सेम है, तो इसका मतलब है यदि तीनों साइड को प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 times x + 3, ठीक है, वैसे ही दूसरा ट्रायंगल है उसके तीनों साइड एक्स 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 है, तीनों को प्लस कर देंगे तो 3x हो जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ सेकंड ट्रायंगल हो गया 3x और इट इज़ इक्वल टू हो गया 5/2, ठीक है। अब 3 से 3 कट गया, अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ बचा है x + 3 / x इज इक्वल टू 5/2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसके साथ हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा, तो 2x + 3 इज इक्वल टू 5x, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x + 2 3 = 6 = 5x हो जाएगा। अब 2x को राइट हैंड साइड ले आएंगे हम,
तो 6 इज इक्वल टू 5x माइनस 2x बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5x माइनस 2x होता है 3x। अब 3 को 6 के नीचे ले आएंगे इस तरीके से, तो 3 से 6 कट जाएगा, 3 टू जा 6 होता है, यानी x की वैल्यू होगी 2 सेंटीमीटर। तो ये जो छोटा ट्रायंगल है इसकी जो साइड लेंथ होगी ये होगी 2 सेंटीमीटर, और ये जो बड़ा ट्रायंगल है उसका साइड इससे 3 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा, तो दूसरा वाला ट्रायंगल होगा x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, इन अ 2-digit number 10th प्लेस डिजिट इज 3 times द डिजिट इन यूनिट प्लेस। अब देखिए यहाँ पे समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए 2-digit number है। अब 2-digit number होता क्या है, तो पहले उसको समझ लें। 2-digit जो नंबर है वो इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा 23, ये 2-digit number है। तो इसमें ये जो 3 है ये है इसका यूनिट प्लेस नंबर, और जो 2 है ये इसका टेंस प्लेस वाला नंबर है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 में मल्टीप्लाई कर दो 10 क्योंकि ये टेंस प्लेस में है, और प्लस करके 3 में मल्टीप्लाई कर दो 1 क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे है। तो अब इसको हम सॉल्व करें तो 2 10 होता है 20 एंड 3 1 3 होता है, एंड 20 + 3 23 होता है। यानी इसका कहने का मतलब ये 2-digit number को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो टेंस प्लेस में नंबर है उसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो और यूनिट प्लेस में 1 मल्टीप्लाई कर दो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिट प्लेस में जो नंबर है हमें पता तो नहीं है, तो हम मान लेते हैं यूनिट प्लेस में एक नंबर है उसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। और फिर उसमें क्या लिखा, जो टेंस प्लेस में जो नंबर है वो यूनिट प्लेस का 3 times है, तो जो टेंस प्लेस में जो नंबर होगा 2-digit number का हम उसको रख लेते हैं उसकी वैल्यू 3x, ठीक है, क्योंकि 3 times है। तो ये आपका टेंस प्लेस वाला नंबर, ये यूनिट प्लेस वाला नंबर हो गया। और अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अगर हम इसी नंबर को लिखेंगे तो जो टेंस प्लेस वाला नंबर है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 10, यानी 3x में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 और x में मल्टीप्लाई करेंगे 1, और दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 10 हो गया 30x, और x इंटू 1 तो x ही रहेगा x, तो 30 प्लस x ये कितना हो गया 31x। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे अभी ये अननोन है x, हमको पता नहीं है, इसलिए ये इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। जब वो नंबर पता चल जाएगा तो 2-digit number हम लिख के उसको चेक कर लेंगे। तो अब देखिए ये हमने लिखा है वो नंबर जो हमको दिया है, टेंस में है 3x और यूनिट प्लेस पे है x। अब क्वेश्चन में अगला स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है, इफ़ द डिजिट इज़ रिवर्स, यदि हम नंबर को रिवर्स कर दें, जैसे हम ये वाला एग्जांपल ले 23 लिखा है, यदि 23 को हम रिवर्स कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 32 बन जाएगा ना, इसी को हम 32 लिख सकते हैं। और फिर अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे तो 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 और 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, और ये क्या बन जाएगा 30 + 2 = 32। ऐसे लिख सकते हैं 32 को। तो यही चीज़ अब इसमें भी करना है। तो अब क्या हो रहा है, अब जो टेंस प्लेस है टेंस प्लेस में आ जाएगा x और यूनिट प्लेस पे आ जाएगा 3x। तो ये आपका यूनिट प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस में हो गया, तो ये नंबर हमने रिवर्स कर दिया। तो जब रिवर्स कर देंगे ये नंबर तो ये बन जाएगा x into 10, क्योंकि x जो है टेंस प्लेस में है तो 10 मल्टीप्लाई हो गया, और 3x वंस प्लेस में है तो 3x में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो अब ये क्या बन जाएगा 10x प्लस 3x इंटू 1, यानी 3x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 कितना हो गया, ये हो जाएगा 13x, ठीक है। तो जो नंबर है ओरिजिनली वो है 31x, जब उसको रिवर्स कर देते हैं तो वो नंबर बन जाता है 13x। अब सिचुएशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखा है, जो रिवर्स करके जो नंबर आया है वो प्रीवियस वाले यानी ओरिजिनल नंबर से 36 लेस है। इसका मतलब क्या है, इसकी इक्वेशन हम बनाएंगे, जो रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया 13x वो पुराने वाले नंबर यानी ओरिजिनल नंबर यानी 31x में से कितना लेस है, 36 लेस है। तो इसमें हम 36 माइनस कर देंगे तो ये एक इक्वेशन बनेगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसी से हमारा डिजिट हमें मिल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, अब 36 को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और 13 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो क्या बन जाएगा 36 इज इक्वल टू 31x
माइनस 13x। अब देखिए 36 इज इक्वल टू 31 माइनस 13 करते हैं तो आंसर आता है 18x। अब ये 18 36 के नीचे चले जाएगा तो 36 अपॉन 18 इज इक्वल टू एक्स। अब 18 टू जो 36 होता है इसका मतलब हो गया x की वैल्यू इज इक्वल टू 2। तो देखिए हमें x की वैल्यू अब मिल गई है तो हम वो नंबर अब लिख सकते हैं। तो ओरिजिनली जो हमने माना था यूनिट प्लेस पे होगा x, x है 2 तो यूनिट प्लेस पे लिखो 2, ठीक है। और टेंस प्लेस पे क्या होगा इसका 3 टाइम्स यानी 2 थ्री ज़ा कितना होता है 6, तो ये हो गया 6, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल आंसर है, यही वो हमारा 2 नंबर था। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है। यदि इसको हम रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स कर दिया तो क्या बन जाएगा 26 बन जाएगा। और रिवर्स करने के बाद ये नंबर कितना हो जाएगा 62 से कितना कम हो जाएगा 36 करके देख लें। 62 माइनस 36, अब इसको माइनस कर लो, 62 माइनस 36 करेंगे तो आपका जो वैल्यू आता है वो आता है 26, यानी दोनों साइड इक्वल हो गया, मतलब ये आंसर जो है हमारा ये सही है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 7। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दो डिजिट होते हैं, दो डिजिट का नंबर है तो एक टेंस प्लेस हो गया और एक यूनिट प्लेस हो गया। इन दोनों प्लेसेस पे जो नंबर है उनको प्लस करते हैं तो उनकी वैल्यू आती है 7, ठीक है, आई बात समझ में। अब हम क्या करें, अब हमें नंबर तो पता नहीं कौन से दो नंबर को प्लस करने पे आएगा 7, तो हम यहाँ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक नंबर को मान लेते हैं x, ठीक है। यदि एक x है तो दूसरे को हम लिख सकते हैं 7-x, क्योंकि दोनों को प्लस करने से 7 आ रहा है। देखो इसको भी प्लस करोगे 7 माइनस एक्स करेंगे तो x x कट जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 7। तो हम अगर एक नंबर को x मान लेंगे तो दूसरे को हम 7-x मान सकते हैं। आया समझ में, पहले ये कॉन्सेप्ट को समझिए, ये समझ में आया फिर आगे का आपको समझ में आएगा। अब किसी भी 2-digit नंबर को हम कैसे लिखते हैं, वैसे इसको लिखा जाएगा। तो ये जो है आपका टेंस प्लेस वाला हो गया और ये यूनिट प्लेस वाला नंबर हो गया। तो जो टेंस प्लेस वाला नंबर है उसमें हम 10 मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, आप चाहो तो उसको फिर से देख लो एक बार प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। अब तो हम क्या करेंगे, 10 × 7-x कर लेते हैं और जो यूनिट प्लेस है उसमें हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू 1 और प्लस कर देंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 10 × 7 = 70 − 10x + x, तो ये बन गया 70 − 9x, ठीक है। तो ये जो है नंबर, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 2-digit नंबर को। अब इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है इफ़ वी रिवर्स द नंबर, तो ठीक है जब रिवर्स कर देंगे तो ऑन रिवर्सिंग द न्यू नंबर इज 9 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। तो जब इसको हम रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, नाउ बाय रिवर्सिंग, रिवर्स कर देंगे, रिवर्स का मतलब ये हो गया जो यूनिट प्लेस में था वो आ जाएगा टेंस प्लेस पे और जो टेंस प्लेस पे था वो आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। तो ये आपका टेंस प्लेस में आ गया x और यूनिट प्लेस पे आ गया 7-x। अब इसको इसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10x + 7-x × 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा 10x + 7-x, 10x और x माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 9x + 7। तो ये जो नंबर सीधा लिखा गया है और रिवर्स करने के बाद ये लिखा गया इस तरीके से, ये आ रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में जो लिखा है, जब रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा वो पुराने वाले नंबर से 9 ज़्यादा है, तो आप क्या लिखेंगे, ये रिवर्स वाला नंबर लिखेंगे 9x + 7 इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर जो है 70 − 9x, इससे 9 ज़्यादा है मतलब इसमें प्लस 9 कर देना है। अब ये आपका एक इक्वेशन बना, अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर x की वैल्यू निकालेंगे तब हमारा जो है नंबर आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए माइनस 9x है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, ये बन जाएगा प्लस 9x, ठीक है। तो 9x पहले से रहेगा ये वाला और इधर जाके प्लस 9x, ठीक है।
फिर ये 7 को राइट हैंड साइड लाके माइनस करना पड़ेगा, माइनस 7 करना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे 70 ये वाला, फिर ये वाला प्लस 9, फिर ये वाला इधर जाएगा यानी माइनस 7 हो जाएगा। देखो 9 प्लस 9 होता है 18x, और इधर 70 प्लस 9 माइनस 7 करेंगे ये हो जाता है 2, और जिसकी वैल्यू होगी 72। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 72/18। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 18 वन जाए 18, 18 फोर जाए 72, यानी x की जो वैल्यू है वो आएगी 4। यदि x की वैल्यू 4 है, इसका क्या मतलब है, हमने जो यहाँ माना था यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे होगा नंबर 4, और जो टेंस प्लेस पे होगा वो होगा 7-4। 7-4 कितना होता है, 7-4 होता है 3, तो यानी नंबर बनेगा 3 और 4, तो जो टू डिजिट नंबर बनेगा हमारा वो बनेगा 34। अब चाहो तो आप इसको वेरीफाई कर लो, इसका उल्टा कर लो, 34 का उल्टा होगा 43, तो रिवर्स करने पे आएगा 43। और इसको यदि ओरिजिनल वाले नंबर से कंपेयर करेंगे यानी माइनस करेंगे 34 से, तो इनका डिफरेंस देखो आ रहा है 9। तो यहाँ पे वही हमने किया था, जो ओरिजिनल नंबर है वो पुराने वाले नंबर से 9 ज़्यादा है, यानी इसका मतलब दोनों नंबर के बीच में 9 का डिफरेंस आना चाहिए, तो यहाँ पे ये आ रहा है, तो ये हमारा हो गया वेरीफाई। अब 6 क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें लिखा है डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज़ 2 मोर देन द न्यूमरेटर, तो इसका मतलब क्या, पहले फर्स्ट इक्वेशन को पहले समझ के इसको लिखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, देखो एक रैशनल नंबर है, ऊपर होता न्यूमरेटर, नीचे होता डिनोमिनेटर। तो इसमें लिखा क्या क्वेश्चन में, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 2 ज़्यादा है, डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज़ 2 मोर देन द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में हम मान लेते हैं जो नंबर है वो एक्स है, तो डिनोमिनेटर इससे 2 ज़्यादा हो जाएगा यानी एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा पहला स्टेटमेंट का मतलब। अब इसके बाद क्या लिखा है, इफ़ न्यूमरेटर इज इंक्रीज 4 टाइम्स, यदि न्यूमरेटर को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दो, मतलब न्यूमरेटर में 4 मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4x बन जाएगा न्यूमरेटर। तो इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स एंड 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, मतलब जो डिनोमिनेटर है हमारा x प्लस 2, इसमें हम ऐड कर देते हैं 8। ठीक है, तो 8 इट इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, द न्यू नंबर वुड बी 4/3। तो इसका मतलब ये करने के बाद ये नंबर जो बन जाएगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 4/3। अब इसको सिंपली आपको सिंपलीफाई करना है, इक्वेशन बन चुका है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, देखिए 4x अपॉन जो ये है x, 2 और 8 ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 10, और इधर हो गया 4/3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर लेंगे आप, ठीक है, तो 4x इंटू 3 हो जाएगा इधर, और इधर 4 ब्रैकेट में x प्लस 10 हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई कर लो बस, 4 3 12 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 12x इज इक्वल टू 4 इंटू x हो गया 4x प्लस 4 इंटू 10 हो गया 40। अब ये 4x लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो 12x माइनस 4x इज इक्वल टू हो गया 40। 4x माइनस 12x माइनस 4x होता है 8x इज इक्वल टू 40। तो जो x है उसकी वैल्यू आ गई 40/8। अब 8 कट जाएगा तो 8 5 40 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, तो जो हमारा ओरिजिनल रैशनल नंबर था वो ये था, हमने न्यूमरेटर को माना था x, और जो डिनोमिनेटर है उससे 2 ज़्यादा है यानी x प्लस 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये जो रैशनल नंबर हमारा बनेगा x/2x विल बी इक्वल टू, x की जगह रख दो सिंपली 5, और नीचे हो जाएगा 5+2 विच इज इक्वल टू 5+7। तो ये है हमारा ओरिजिनल रैशनल नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या लिखा है, एजेस ऑफ अरुण एंड आकाश आर इन द रेशियो 7:5। तो यहाँ पे देखिए दो बॉयज़ हैं, एक का नाम है अरुण, एक का नाम है आकाश, और दोनों का जो एज है ना उसका रेशियो दिया है 7:5। तो ऐसे केस में हम देखिए रेशियो वाले केसेस में क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट अरुण एज बी 7x। ठीक है, इसको हमने मान लिया 7x। 7x क्यों माना, क्योंकि रेशियो 7:5 दिया है, तो अरुण के एज को हम 7x मानेंगे और आकाश के एज को हम 5x मानेंगे। रेशियो में हम एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं उस रेशियो से, तो ताकि उसकी ओरिजिनल वैल्यू फिर फाइंड कर सके। फिर वैसे ही लेट
आकाश एज बी 5x। तो हमने मान लिया अरुण का एज को मान लिया 7x और आकाश की एज को मान लिया ये है 5x। ये इनकी प्रेजेंट एज है, याद रखना ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज, ठीक है। अब इसके बाद देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा है, आफ्टर 6 ईयर, ठीक है। अब 6 ईयर के बाद क्या होगा, आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है। तो अरुण सेज, देखो अगर प्रेजेंट एज अरुण की 7x है तो 6 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, सिंपली इसमें 6 प्लस कर दो, तो आफ्टर 6 ईयर ये क्या हो जाएगा, 7x प्लस 6। और वैसे ही आकाश, आकाश एज विल बी 5x प्लस 6, क्योंकि 6 साल बाद दोनों की तो एज 6 साल बढ़ जाएगी ना, तो 7x प्लस 6 हो गया और 5x प्लस 6 हो गया। ये बोल रहे हैं जो 6 साल बाद इनकी एज बढ़ी है और फिर इनका जब रेशियो लिया जाता है तो 5:4 आता है, मतलब इसका एज यानी 7x अपॉन 6 करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं 5x प्लस 6 से, तो इनकी वैल्यू जो आती है रेशियो वो आता 5:4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5/4। अब आपको करना क्या है, इसको ये इक्वेशन बन गई है, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 ब्रैकेट में 7x प्लस 6 और राइट साइड में आ जाएगा 5x प्लस 6। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को 4 को ब्रैकेट के अंदर, तो 7 4 हो गया 28x एंड 4 6 24, राइट साइड में 5 5 25x एंड 5 6 30 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये 25x को लेफ्ट साइड ले जाना है, तो 28x माइनस 25x हो गया, राइट साइड में 30 है और 24 आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो माइनस 24 बन जाएगा। तो इस हिसाब से 28x माइनस 25x ये हो गया 3x और राइट साइड में 30 माइनस 24 ये हो गया 6। तो x इज इक्वल टू 6/3 विच इज इक्वल टू 3 2 6 होता है, तो जो x है उसकी वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। यदि x की वैल्यू 2 है तो अब हम निकालेंगे प्रेजेंट एज ऑफ अरुण, तो अरुण का प्रेजेंट एज कितना है, अरुण का प्रेजेंट एज है 7x, जिसका मतलब हो गया 7 × 2, 7 2 हो गया 14 ईयर्स, ठीक है। अरुण का 14 ईयर है तो आकाश का कितना है, 5x है प्रेजेंट एज, तो आकाश इसका एज होगा 5x विच इज इक्वल टू 5 × 2 और 5 2 कितना होता है, 5 2 होता है 10, तो आकाश की एज होगी 10 ईयर और अरुण की एज होगी 14 ईयर्स। नाउ अब 8th क्वेश्चन करेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या लिखा है, मनीषाज मदर इज थ्राइस द एज ऑफ मनीषा। तो यहाँ पे एक लड़की है मनीषा और बोला गया है कि मनीषा की मदर की एज मनीषा की 3 times है, ठीक है। तो देखो अब हमें एज ना तो मनीषा की दी है ना उसकी मदर की दी, तो ऐसे केस में मान लेते हैं, लेट मनीषा, मनीषाज एज बी एक्स। यदि मनीषा की एज एक्स है तो हर मदर सेज, हर मदर से एज बी 3x, क्योंकि 3 गुना हो गई, 3 times हो गई, तो ये जो दोनों एज है ये इनकी प्रेजेंट एज है, ठीक है। तो प्रेजेंट में मनीषा का एज हो गया x और उसकी मदर का एज है 3x। अब ये बोल रहे हैं आफ्टर 4 ईयर्स, तो यहाँ लिख लेते हैं आफ्टर 4 ईयर्स, तो आफ्टर 4 ईयर्स क्या होगा, मनीषा की एज, मनीषा, मनीषाज एज इज इक्वल टू, देखो 4 साल बाद 4 plus हो जाएगी उसकी एज में, यानी अगर x थी उसकी एज तो 4 साल बाद x प्लस 4 एज हो जाएगी उसकी, वैसे ही हर मदर सेज, मदर सेज, मदर सेज भी क्या थी, जो थी उसमें प्लस 4 हो जाएगा, तो पहले थी 3x, 3x में प्लस 4 हो जाएगा, तो दोनों की एज में हमने 4 4 प्लस कर दिया है। अब जो स्टेटमेंट है अगले जो दिया है क्वेश्चन में कि जो मदर की एज 4 साल बाद होगी वो मनीषा की एज से 2.5 times ज़्यादा होगी, कहने का मतलब ये है मदर से एज
मदर्स एज इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स किसके, मनीषाज एज, मनीषाज एज। तो जो मदर की एज है 4 साल बाद वाली वो ये है, तो मदर की एज के नीचे हम लिखेंगे 3x + 4 और 2.5 लिखेंगे, फिर उसके बाद मनीषा की एज है ये है x + 4। अब ये जो है ना एक इक्वेशन बन रहा है, इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, उसी से हमें मनीषा और उसकी मदर दोनों की एज मिल जाएगी। तो अब कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 2.5 है ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2.5। तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3x + 4 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, तो ये बन जाएगा 5/2, फिर ब्रैकेट में x + 4, ठीक है। अब होगा क्या, ये 2 डिनोमिनेटर में है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, लेफ्ट हैंड साइड इसको 2 को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो देखिए जब 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 ब्रैकेट में 3x + 4 और ये राइट साइड 5 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, 5 ब्रैकेट में x + 4, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 ज़ा 6x + 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू 5 × x 5x, 5 × 4 20। अब ये 5x को लेफ्ट साइड ले जाएंगे हम, तो 6x - 5x और 8 को राइट साइड ले जाएंगे, तो 20 - 8, 6x - 5x हो गया सिंपली x और 20 - 8 हो गया 12। तो देखिए x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12, तो इसका मतलब जो मनीषा की प्रेजेंट एज है, मनीषाज एज जो है वो x हमने मानी थी तो वो है 12 ईयर्स, और जो उसकी मदर की एज है, मदर्स एज जो है 3 टाइम्स, तो 12 का 3 टाइम्स कितना होता है, 12 3 ज़ा 36, तो उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज होगी वो होगी 36 ईयर।